अच्छा अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, आ कार गोइंग 1800 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, हाउ मेनी किलोमीटर आवर इन 25। ये हमारे पास सवाल आता है, ठीक है। तो देखिए, इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमने उसको किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये देखते हैं इसको सॉल्व किस तरह से करना है। अब देखें, ये हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, वो कह रहा है कि अ कार मूविंग 1800 किलोमीटर पर आवर एंड हाउ मेनी किलोमीटर कवर इन 75 मिनट्स। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको पता है कि जो 1 आवर का मतलब क्या होता है, 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट होता है, आपको पता है 60 मिनट के अंदर जो सेकेंड्स होते हैं वो 36 होते हैं, सबको पता है। देन अगर कोई पूछे कि 24 आवर्स के अंदर मिनट कितने होते हैं, 1440 होते हैं, ठीक है, और यहाँ लिखा जा रहा है 1440 होते हैं। 1440 हमारे पास क्या होते हैं, मिनट्स होते हैं। अगर कोई पूछे कि 24 आवर्स के अंदर सेकंड कितने होते हैं, तो 86,400 सेकंड होते हैं हमारे पास 24 आवर्स में। तो इसने ये सब तो खैर नहीं पूछा, इसको पहले क्लीन कर लेते हैं। इसने हमसे ये पूछा है कि एक कार 1800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और हाउ मेनी किलोमीटर कवर इन 75 मिनट। अभी जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो हमने क्या करना है, हमारे पास क्या कह रहा था, 1800 किलोमीटर कर रहा था पर आवर के हिसाब से, ठीक है, ये सवाल था, डिवाइड बाय 60 होगा, ठीक है। वह 60 क्यों, क्योंकि इसने आवर की बात की, जब ये आवर की बात करेगा डिवाइड बाय 60 होगा। अब देखें, ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं, डिवाइड बाय 60 कर सकते हैं, ठीक है, मगर इस तरह से जो प्रोसेस है वो लंबा हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। फिर आपने क्या करना है, इसका एक और हल है, एक और हल क्या, आप देखें, आपको पता है 60 मिनट में वो आपके पास कितने किलोमीटर कर रहा है, 1800 किलोमीटर कर रहा है, ठीक है। देन उसका आप हाफ कर लें, 30 मिनट में कितना करेगा, 900 किलोमीटर करेगा। देन आप 30 का हाफ कर लें, 15 मिनट में कितना करेगा, 450 करेगा। अभी इसने हमसे क्या पूछा है, इसने पूछा कि 1800 किलोमीटर कर रहा है एक घंटे में और 75 मिनट में कितना करेगा। अब देखिए, 60 मिनट में कर रहा था 1800, ठीक है, तो 1800 ये 60 मिनट में कर रहा था। देन हमने इसमें क्या करना है, ऐड करना है 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट इसमें क्या करना है, ऐड कर देना है, इन दोनों में ऐड करना है। अभी 15 मिनट में क्या कर रहा था, 45, सॉरी यहाँ लिखा जा रहा, तो 45 किलोमीटर कर, 450 किलोमीटर कर रहा है 15 मिनट में। तो इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2250 आएगा। तो ये इसका राइट आंसर है, हमारे पास जो एक कार है वो 1800 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से जा रही है और वो 75 मिनट में कितना तय करेगी सफर, 2250 किलोमीटर ये करेगी 75 मिनट। मैं आपको थोड़ा क्लीन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए।
अभी ये जो मैंने आपको सवाल बताया इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। शर्त ये जैसे अभी सवाल है तो यहाँ जो 75 है तो यहाँ हम 3 मिनट लिख देते हैं। अ कार मूविंग 180 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एक कार 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ठीक है, ये जीरो को आप माइनस कर दें। वो कह रहा है एंड हाउ मैनी किलोमीटर कवर इन 3 मिनट्स, आप ये लगा लें, हाउ मैनी डिस्टेंस कवर इन 3 मिनट्स। जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो आपने सिंपल क्या करना है, 80 डिवाइड बाय 60 कर देना, जीरो जीरो से कट गया, 6 3 18, ठीक है, आपने 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 9 आपका राइट आंसर आया। तो 9 किलोमीटर कर रही है कितने मिनट में, 3 मिनट में, ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन है। आ जाए और सवाल करते हैं। अब आज एक और सवाल करते हैं, उस सवाल में मैं आपको बताऊं, एक सवाल लिखते हैं तो वो लोग इसी तरह का होगा, ठीक है, कह रहा है कार, ठीक है, मूविंग 2800 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, हाउ मैनी डिस्टेंस कवर इन 120 मिनट। बहुत सिंपल सवाल है, कह रहा है कि इसका मैं ऑप्शन भी आपको दे देता हूँ, ठीक है, आपका ए ऑप्शन है 800, बी ऑप्शन है आपका 2300, सी ऑप्शन आपका है 3200, ठीक है, डी ऑप्शन आपका है 3200। ये हमारे पास सवाल था, ये मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिया है, ठीक है, अभी इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करना तो बहुत आसान है, खैर मैं चाहता हूँ कि आप लोग ही इसको सॉल्व करें, इतना आसान क्वेश्चन है। अब देखें कह रहे हैं कार 28 किलोमीटर कर रही है, ठीक है, 28 किलोमीटर कर रही है एक घंटे में, ठीक है, कह रहे हैं कि ये 120 मिनट में कितना सफर तय करेगी,
सिंपल सा सवाल है, इस सवाल को देखते सार ही आपका आंसर निकल आएगा। जब भी इस तरह का सवाल कोई आता है तो आपने जस्ट क्या करना है, अब देखें 2800 किलोमीटर का देखिए, इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दें 56 आ जाएगा आपके पास, 5600 किलोमीटर आ जाएगा 120 मिनट में। वो कैसे, अभी सिंपल आपको पता है कि 60 मिनट में कितने होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, मैंने आपको अभी बताया था, 2 आवर में कितने हो गए 120 मिनट्स हो गए, सिंपल सी बात है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको क्लीन कर देते हैं। एक सवाल आता है दर्जन ऑफ एक बहुत सिंपल सा सवाल है, जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो आपने इसको किस तरह से करना है। अब देखिए वो कह रहा है कि जो दर्जन एक्स वो हैं उसकी प्राइस कितनी है, 96 रुपीस है, 96 रुपीस के दर्जन एक्स में, दर्जन एक्स में कितने अंडे होते हैं, 12 अंडे होते हैं, सबको पता है, आपने सिंपल इसको डिवाइड कर लेना है 12 को इसके साथ, तो कितना आता है, 12 8 96, 12 8 96 मतलब हमें पता लग गया हमारे पास 8 रुपए का एक अंडा है, ठीक है, हम 8 को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 5 के साथ करेंगे, बस 40 के आगे 5 ही, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, जो कि बहुत आसान है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, मजीद आप जो बच्चा मजीद क्लासेस लेना चाहता है हमसे ऑनलाइन या फिजिकल, वो हमसे रब्ता कर सकता है ब्राइट फोर्स एकेडमी से, मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट वगैरह यहाँ शेयर कर देता हूँ, ताकि कोई बच्चा भी अगर हमसे रब्ता करना चाहता है तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर हमारा है 3 2 4 1, ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, सेकंड कॉन्टैक्ट नंबर ये भी है, मेरा नाम अभी है, ठीक है, आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। आई होप ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा, अगर कोई भी आपका सवाल है तो आप व्हाट्सएप के जरिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं, किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। और ये जो आपको मैंने सवाल बताए ये आपके लाजमी नहीं कि सिर्फ आर्मी नेवी एयर फोर्स के अंदर आएगा, बाकी आपके जितने टेस्ट भी डाले NTS है, ठीक है, NTS है, उसके अलावा आपका PTS है, SPS है, ठीक है, SPSP है, ठीक है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, SPSP है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, PTSC है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इस तरह के OPS है, ठीक है, जितने भी आपके टेस्टिंग अदारे हैं सारों के अंदर इस तरह के सवाल लाजमी आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, इनकी ट्रिक्स यही होती हैं, तो वहाँ जो आते हैं वो इतने मुश्किल नहीं आते, इतने आसान ही आते हैं, ठीक है, जिसको कोई सवाल हो तो मुझसे कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।